वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि इस चैनल पे क्लास 6 से लेकर 10 तक सभी क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप लोग क्लास 6 से लेकर 10 तक किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पहले चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे और रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग नेचुरल नंबर के बारे में जानते होंगे। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये बात आप लोग पहले से जानते होंगे। यानी काउंटिंग नंबर कौन? ये एक बैग है, थैला। ड्राइंग तो हम लोग को अच्छा से बनाने आता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैंने कोशिश किया है। तो इसमें काउंटिंग नंबर डालते हैं 1, 2, 3, 4, और काउंटिंग नंबर 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये हो गया काउंटिंग नंबर, इस बैग में मैंने डाला है और इसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इसको हम लोग एन से डिनोट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग पहले पढ़े होंगे होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स किसे बोलते हैं? तो ऑल नेचुरल नंबर्स along with zero form the collection of whole numbers। मतलब ये है कि जितना भी नेचुरल नंबर है, इस बैग में भी क्या है, नेचुरल नंबर है, और इसमें अगर हम लोग अब जीरो डाल देंगे तो ये कलेक्शन कहलाएगा होल नंबर्स का। तो हम लोग यहाँ जीरो पहले डाल देते हैं। अब ये हो गया होल नंबर्स, जिसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। आप लोग क्लास 7 में पढ़े होंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर किसे बोलते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। मतलब ये है कि जितना भी नेचुरल नंबर है, तो इस बैग में हमने नेचुरल नंबर पहले डाल दिया था, उसके बाद जीरो भी डाल दिए हैं हम लोग, तो ये हो गया होल नंबर। तो सारा नेचुरल नंबर, जीरो और नेचुरल नंबर का नेगेटिव्स, यानी ये है नेचुरल नंबर, इसका नेगेटिव्स क्या होगा? -1। ठीक है, -2, -3, -4, है ना, और ये भी इन्फिनिटी तक, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ये भी बढ़ता रहेगा। तो ये सारा कलेक्शन हो गया अब इंटीजर्स का। ठीक है, तो हम लोग इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कलेक्शन अब इंटीजर्स का हो गया। अब हम लोग रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। रेशनल नंबर किसे बोलते हैं? इसका डिफिनेशन है ए नंबर which can be written in the form p by q, where p and q are
integers and q is not equal to 0 is called a rational number. तो ये हो गया रेशनल नंबर का डिफिनेशन जो कि आपके एनसीईआरटी बुक क्लास 8 में दिया गया है. ठीक है, तो रेशनल नंबर वही नंबर है जिस नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. ये पी बाई क्यू जो है ये वेरिएबल है. पी बाई क्यू की जगह आप ए बाई बी भी लिख सकते हैं. ठीक है, या फिर इसके जगह वाई बाई जेड भी लिख सकते हैं, या इसकी जगह एक्स वाई बाई भी लिख सकते हैं. तो आप कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं -2/5. ठीक है, ये क्या है? रेशनल नंबर है. कैसे? देखिए पी वाई क्यू के फॉर्म में है. पी वाई क्यू मतलब क्या है कि एक नंबर ऊपर है एज अ न्यूमरेटर और दूसरा नंबर है नीचे जो कि डिनोमिनेटर कहलाता है. ठीक है, अब -2 है ऊपर वाला नंबर, न्यूमरेटर जो है यानी पी की जगह जो हमने -2 लिखा है वो इंटीजर है, और दूसरा जो q है यानी नीचे वाला नंबर वो भी इंटीजर है. -2 भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर. तो शर्त है कि दोनों इंटीजर होना चाहिए. तो इंटीजर भी है दोनों, पी बाई क्यू के फॉर्म में भी है. और तीसरी बात है कि नीचे वाला यानी q जीरो नहीं होना चाहिए. तो ये जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं है. तो ये हो गया रेशनल नंबर. उसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/2. ठीक है, ये भी रेशनल नंबर है. 5/-7 ये भी रेशनल नंबर है. 0 ये भी रेशनल नंबर है. 4 ये भी रेशनल नंबर है. -2 ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि हम लोग 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं. उसी तरह 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ दिया गया है विच कैन बी रिटेन, यानी जिसको इस तरह से पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो भी रेशनल होगा. उसी तरह -2 को -2/1 लिख सकते हैं. तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू. ठीक है, और ऊपर नीचे दोनों ही क्या है? इंटीजर है, और नीचे वाला किसी में भी जीरो नहीं है. तो इसका मतलब है कि सभी रेशनल नंबर है. एक दो और डिफिनेशन इसका जो अलग अलग बुक में दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं. तो दूसरा जो हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं वो द नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाई बी और विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर. मतलब यह है कि कोई भी नंबर जो ए बाई बी यानी एक न्यूमरेटर होगा और दूसरा डिनोमिनेटर होगा इस तरह से इस फॉर्म में होगा वो रेशनल कहलाएगा. लेकिन शर्त यह है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और ये जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए. तो वो हो जाएगा रेशनल नंबर. तो अब ये जो एग्जांपल्स हैं मैं इसके अंदर अब लिखता हूं, इन सभी नंबर को भी हम लोग इस बैग में डालेंगे. ठीक है, तो अब ये कलेक्शन हो गया रेशनल नंबर्स का. रेशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने इस बैग के अंदर क्यू लिखा है. तो ये सारा जो नंबर है बैग के अंदर वो सारा रेशनल नंबर है. तो इसका ये मतलब हुआ कि जितना भी नेचुरल नंबर है वो रेशनल होगा, जितना भी होल नंबर है वो रेशनल होगा, जितना भी इंटीजर है वो रेशनल होगा. तो इस बैग के अंदर सारा नंबर हो गया रेशनल. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.